अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मिस्टर हाउ। आज हम बात करने जा रहे हैं 3 बेस्ट ऑनलाइन अर्निंग वेज की। वो वेज कौन से हैं ये मैं तीनों आपके सामने रखूंगा और उनमें सबसे जो बेस्ट वे है वो भी आपको बताऊंगा, और वो कैसे करना है वो सारी डिटेल्स हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं 3 बेस्ट ऑनलाइन अर्निंग वेज की। तो सबसे पहला जो ऑनलाइन अर्निंग वे है वो है फ्रीलांसिंग। और फ्रीलांसिंग के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपको अपवर्क की सूरत में, फाइवर की सूरत में और फ्रीलांसर की सूरत में नज़र आएंगे, जहां पर बहुत सारे दुनिया से क्लाइंट्स आते हैं और अपना काम देते हैं और जो फ्रीलांसर्स हैं वो उनसे काम लेकर और उनको काम करके देते हैं और उनसे पैसे हासिल करते हैं। चाहे कोई वीडियो एडिटर है, चाहे कोई राइटर है, चाहे कोई थंबनेल मेकर है, कोई भी काम है दुनिया का वो आप फ्रीलांसिंग पे कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक अच्छी गिग्स बनानी पड़ती हैं, थोड़ी एसईओ की टेक्निक्स आनी चाहिए, उसके बाद आपके जो काम के सैंपल्स हैं वो अच्छे होने चाहिए। ठीक हो गया, ये हो गया हमारा फ्रीलांसिंग। अब सेकंड जो हमारी चीज़ है वो आती है ऑनलाइन अर्निंग के वेज में, वो है हमारी ब्लॉगिंग। अब ब्लॉगिंग में क्या होता है, ब्लॉगिंग में आपको लिखना होता है। अगर आप एक अच्छे राइटर हैं, एक अच्छे कंटेंट राइटर हैं, तो आप एक अच्छी एसईओ के ज़रिए अच्छा लिख सकते हैं, जिसको गूगल करता है रैंक। और अगर वो चीज़ आपकी रैंक हो जाती है तो किसी भी वेबसाइट पर, किसी भी ब्लॉग पर आप लिख कर और उनको लिखने के बाद आपके उस वेबसाइट पर, उस ब्लॉग के पेज पर आ जाते हैं एडवर्टाइजमेंट्स। उस एडवर्टाइजमेंट का आपको मिलता है पैसा। और ये सेकंड वे है फ्रीलांसिंग के अलावा ब्लॉगिंग, जिसके ज़रिए आप एक बहुत अच्छी ऑनलाइन अर्निंग ग्रो कर सकते हैं। ठीक हो गया, अब जो थर्ड और सबसे मेन पार्ट है वो है यूट्यूबिंग। यूट्यूबिंग क्या है, जो आप मुझे इस टाइम देख रहे हैं ये बिल्कुल एक यूट्यूबिंग है, और जिसके ज़रिए हम एक दूसरे से बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और बहुत सारी एंटरटेनमेंट भी हासिल करते हैं। लेकिन आपको पता है ये जो यूट्यूबर्स डेली की वीडियोस अपलोड करते हैं इनका दिमाग बिल्कुल ख़राब नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ अपना कमाने के लिए कर रहे हैं, ये इसको एज अ जॉब करते हैं और ये डेली कॉन्टेंट बनाते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग उसे देखें और उन पर क्लिक्स करें और उन वीडियोज़ पर जो एड्स चल रहे होते हैं उनके उनको मिलते हैं पैसे। जिस तरह किसी भी एक टीवी चैनल पर ऐड चलते हैं तो उसको पेड प्रमोशन होती है और उसको पैसे मिलते हैं, इसी तरह एक यूट्यूब चैनल पर भी जब किसी भी वीडियो पर ऐड चलता है तो उसको पैसे मिलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या आप ये काम कर सकते हैं इन तीनों में से। इन तीनों में से फ्रीलांसिंग जो है वो शायद आपके पास स्किल्स ना हो, ठीक है। उसके बाद ब्लॉगिंग जो है उसके पास शायद आप इतना अच्छा कंटेंट राइटिंग, आपकी इंग्लिश स्ट्रांग ना हो, आप नहीं कर सकते हो, वो भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं इन तीनों स्टेजेस से गुजरा हुआ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अभी भी टीम्स इन तीनों स्टेजेस पर काम कर रही हैं, इन तीनों वेज पर काम कर रही हैं। लेकिन इनमें सबसे आसान जो तरीका है वो है यूट्यूबिंग। आप चाहे पढ़े लिखे नहीं हैं, आप चाहे आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको उर्दू नहीं आती, आप सिर्फ पंजाबी स्पीकिंग है, आप बलूचिस्तान में किसी भी एरिया पर रहते हैं, आप सिंध में रहते हैं, आपको सिर्फ सिंधी लैंग्वेज आती है, आप किसी भी एरिया में हैं, इफ़ यू कैन मेक अ वीडियो, इफ़ यू हैव अ मोबाइल फ़ोन, अगर आपके पास एक सिंपल कैमरे वाला फ़ोन है तो आप ये काम कर सकते हैं। इंटरनेट आपके पास ऑब्वियसली है क्योंकि आप मुझे देख रहे हैं। अगर आप ये काम नहीं करते इट्स मीन के यू आर वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है। आप एक लेम एक्सक्यूज़ बना रहे हैं कि यार इनके पास अच्छा कैमरा है, इनके पास टेक्निकल नॉलेज है, इनके पास ये सब कुछ है तब ये काम कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, आप घर बैठे कर सकते हैं, आपके पास मोबाइल है। आपने बहुत सारे ऐसे वीलॉगर्स देखे होंगे कि जो बिल्कुल गांव में फसल की कटाई हो रही होती है और वो कटाई शो कर रहे होते हैं, बहुत से लोग चलते फिरते वीडियोज़ बना रहे थे और मिलियन ऑफ व्यूज़, ठीक है। आप कोक की बोतल में मिंट कैसे डालते हैं उस पर आप मिलियन ऑफ व्यूज़ मिलेंगे, ठीक है। और मिलियन ऑफ व्यूज़ का मतलब है लाखों डॉलर्स, ठीक है। ये कोई पाकिस्तानी रुपीज़ में या इंडियन रुपीज़ में आपको पैसे नहीं मिलते बल्कि डॉलर्स में मिलते हैं, और ये बहुत ही बड़ा बिजनेस है। स्टार्ट कैसे करना है आपने, मैं आपको बताता हूँ। मिस्टर हाउ चैनल अगर आप देखते हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिए, क्योंकि मिस्टर हाउ पर हम शुरू करने जा रहे हैं यूट्यूब की सीरीज़। उस यूट्यूब की सीरीज़ में क्या होगा कि सबसे पहले आपको जीमेल का अकाउंट बनाने से लेकर मोनेटाइजेशन के ऑन होने तक हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। और अगर आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी मसला आ रहा है, आप हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, उस मसले को हल करना हमारा काम है। इंशाल्लाह ताला जब तक आपकी मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होती हम आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। नई सीरीज़ आ रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल जीमेल अकाउंट कैसे बनना है, उसके बाद यूट्यूब अकाउंट कैसे बनाना है, यूट्यूब अकाउंट की सेटिंग्स कैसे करनी है, एसईओ कैसे करनी है,
थंबनेल्स कैसे बनाने हैं, एनालिटिक्स में क्या होता है, ठीक है, एनालिटिक्स को यूज़ करके आप व्यूज़ कैसे ज़्यादा ला सकते हैं, कौन सा बेस्ट टाइम है अपलोडिंग का, एनालिटिक्स की एक एक चीज़ पर ब्रीफ व्यूज़ डालेंगे। और इस सारी सीरीज़ में मैं आपको एक अच्छा यूट्यूबर बना सकता हूँ। आए हम सब मिलकर ग्रो करें, मैं भी ग्रो करूं, आप भी ग्रो करें, हम उन टांगे खींचने वालों में से ना हों जो एक दूसरे की टांगे खींचकर ऊपर बढ़ना चाहते हैं और सभी गिर जाते हैं, बल्कि एक दूसरे की मदद करके हम सारे ऊपर बढ़ सकते हैं और इंशाल्लाह ताला बढ़ेंगे भी। इसलिए मिस्टर हाउ को देखते रहिए, सीरीज़ आ रही है, कल से आ रही है, और बिल्कुल इसका साथ देना, आपके व्यूज़ बताएंगे, आपके कमेंट्स बताएंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए मिस्टर हाउ, अल्लाह हाफिज़।